हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो जी आप सब। तो जी आज की क्लास आपकी इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ की स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक क्लासेस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि ये सब्जेक्ट क्यों बना है और इसका कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है। साथ में इस सब्जेक्ट के साथ मैंने लास्ट क्लास आपको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे भी दी थी कि ताकि आप समझ सको कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ कब से हुई, क्यों न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई और क्यों अब लॉ बनाने की ज़रूरत है, कि जितना बिजनेस फैलता जाएगा उतना कंट्रोलिंग भी जरूरी है। अब मैं आपके प्रॉपर चैप्टर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हमने ईबीसीएल में देखा था कि फर्स्ट पार्ट प्रॉपरली फेमा और बैंकिंग से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा सा हैवी है, तो मैं उसको अभी नहीं उठाऊंगा ताकि आप थोड़े से और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सको, मैच्योरिटी लेवल आ सके। तो वो बहुत हैवी और टेक्निकल पार्ट है, तो उस पार्ट को हम बाद में उठाएंगे। तो सेकंड पार्ट, कंपेरेटिवली सेकंड और थर्ड पार्ट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके पड़े हुए हैं या इजी हैं, तो पहले इजी को उठाते हैं। और आज मैं एक ऐसा चैप्टर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने शायद पहले पढ़ा ना हो और हमारी एक जनरल लाइफ से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ है और इसमें हम आगे पीछे चैप्टर्स कर सकते हैं, इनका आपस में लिंकेज नहीं है, और जिनका लिंक होगा हम उनको अपने आपस में सीक्वेंस में ऑब्वियसली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अब मैं उठाने जा रहा हूँ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये देखो, ये पिक्चर आपको जो शो कर रही है, ये नज़र आ रहा है कि हमारे खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, मसाले, कपड़ा, फर्टिलाइजर्स, इन सबको एसेंशियल कमोडिटी का पार्ट लिया गया है। अब देखो, ये एक्ट 1955 में बना था और इस एक्ट को बनाने का पर्पस ये रहा कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी टू द कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर सुप्रीम है। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा कि कंज्यूमर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है किसी भी इकॉनमी का। दूसरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इजी अवेलेबिलिटी। एसेंशियल कमोडिटी का मतलब है कि जो हमें अपने डेली यूज में या हमें लाइफ को जीने के लिए जरूरी है, वो कमोडिटीज सिर्फ खाना ही नहीं हो सकता, खाने के अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़, जो हमारी लाइफ सेविंग, लाइफ की एसेंशियल एलिमेंट, लाइफ की ज़रूरत को पूरा करती हैं, उसको, उन कमोडिटीज़ को भी, उनके बनाने वालों को भी और उनके सप्लायर्स को भी इस एक्ट के अंडर लिया गया है, और उनको बनाने के लिए जो अदर कमोडिटीज़ की ज़रूरत है उनको भी लिया गया है। जैसे कोई भी मिल है जहाँ पर फ्लोर मिल है, राइस मिल है, तो मिलें चल रही हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है, लोगों तक पहुँचेगा कैसे, तो ट्रांसपोर्ट में ऑयल बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसको भी लिया गया। सेकेंड पर्पस था इस एक्ट में कि प्रोटेक्ट करना है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनसरप्लस ट्रेडर। ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि प्याज एकदम से महंगा हो गया या कोई भी दाल महंगी हो गई, तो वो उसकी स्टोरेज कर लेते हैं, होर्डिंग हो जाती है, और फिर उसको बाद में हायर प्राइस पे बेचते हैं। तो ये एक्ट गवर्नमेंट को पावर भी देता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट उस कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी में अगर नहीं थी तो ऐड कर देगी और उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये भी पावर आएगी गवर्नमेंट की। इस एक्ट में लॉ किस चीज़ का है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल फॉर प्रोडक्शन इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को बनाने का, उनका बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जमाखोरी ना हो, कालाबाजारी ना हो, और उसका प्राइस, फेयर प्राइस मिले लोगों को। अब आप देखते हो चीनी, चावल, गेहूं, इन ऑयल, इन चीज़ों पर गवर्नमेंट बहुत नज़र रखती है, और इनके ज़रा से भी प्राइस बढ़ने लगते हैं तो शोर मचना शुरू हो जाता है। तो नेता लोग, अपोजिशन पार्टीज भी एक पार्टी कंपेयर दिखाती हैं कि पहले दालों का रेट ये था, अब ये हो गया, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम है और ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो इनका बनना, इनकी सप्लाई और इनकी प्राइसिंग, तीन चीज़ों के ऊपर ये बात कर रहा है, और सबको इक्वली मिले, फेयर प्राइस पर मिले। देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम ह्यूमन बीइंग, के लिए एसेंशियल कमोडिटीज क्या हो सकती हैं, हम पहले अपनी नॉलेज से चलेंगे। हालांकि इसको सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है, तो इस डेफिनेशन से पहले हम अपने लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या समझते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत है।
हमारे पेट में हमें फूड चाहिए सबसे पहले जीने के लिए। फूड एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है, सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स, दालें, चावल, अनाज, गेहूं, बाजरा, मक्का, फिर मसाले उनको बनाने के लिए। तो फूड में बहुत बड़ी चेन है। तो मैं अगर फूड को बोलूं तो एग्रीकल्चर क्रॉप, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, ये सब आ जाएंगे यहाँ पर। ग्रेन्स, अलग अलग वर्ड हैं। तो ये फूड बहुत बड़ा वर्ड है, उसके फिर पार्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे क्या स्पाइसेस एसेंशियल कमोडिटी हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि हमारी खाने पीने का क्या बिना नमक मिर्च के खाने का स्वाद आएगा? तो अगर मसालों का भी तो गड़बड़ कर सकते हैं लोग, मसालों में भी मिलावटखोरी होती है, वो तो हालांकि एडल्ट्रेशन एक्ट अलग है, बट उसको भी एक एसेंशियल कमोडिटी का पार्ट माना गया है। अब फूड के साथ क्या मिल्क भी जरूरी है? यस, मिल्क को भी डेफिनेशन में नहीं डाला गया, बट अलग से लिया गया। उसको केस स्टडी में कोर्ट में जब झगड़ा हुआ, क्या हमने इस कमोडिटीज में तो डाला नहीं, तो मिल्क को हम कैसे लें, एसेंशियल कमोडिटी में है कि नहीं? तो कोर्ट ने मिल्क के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दी थी, अभी हम बुक में वो केस पढ़ेंगे। उस केस में ये आया था कि अगर कोई भी चीज़ जो हमारी लाइफ को बचाने के लिए या हमें जीने के लिए ज़रूरी है या हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो वो आइटम एसेंशियल कमोडिटी में आ सकती है। मिल्क अब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों की स्टार्टिंग में तो फूड नहीं होता, उनकी ग्रोथ ही किससे हो रही है, दूध से। तो क्या वो अपने मदर की दूध पे डिपेंड हो सकता है? नहीं, एक टाइम के बाद उसको दूसरा मिल्क भी चाहिए। तो उस मिल्क के लिए उसको डिपेंड हो रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ की बॉडी की ग्रोथ में ज़रूरी है, तो मिल्क। बट क्या टी है जी? इसका भी केस आएगा, बट टी इज नॉट मिल्क, इज असेंशियल कॉमोडिटी। टी क्यों नहीं है? इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है पीछे कि क्या टी असेंशियल कॉमोडिटी है, डिसाइडेड केस है इसका, सैमुअल का केस है, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। तो टी के बारे में भी ये आया कि टी असेंशियल कॉमोडिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन जिया जा सकता है। सेकंड, हम अगर इसको पी रहे हैं तो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही, हमारी बॉडी की ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं कर रही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान ही कर रही है जो लोग इसका ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। और आपको मैं बता दूं, आज से 200, 300, 400 साल पहले या 500 साल पहले, जो भी टाइम रहा है, तो टी तो इंडिया में पी ही नहीं जाती थी। आज भी गांवों में चाय बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कई बुजुर्ग हमारे चाय नहीं पीते। तो पहले इंडिया में दूध, छाछ, लस्सी यही चलता था, इंडिया टी वर्ड तो था ही नहीं। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर टी को यहाँ पर देखा आके, उसी से अट्रैक्ट होकर आए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो टी और स्पाइसेस का ट्रेड करने ही आई थी, और उस कॉटन के लिए आई थी, स्टील के लिए आई थी। और जब वो यहाँ पर आए तो टी की आदत उन्होंने इंडियंस को डाली, इंडियंस चाय नहीं पीते थे। मेरी मदर अभी भी हैं, शी इज़ अराउंड 85। वो जब पहले, बिफोर पार्टीशन, इंडिया से पहले पाकिस्तान रहते थे, उसके बाद वो इंडिया में माइग्रेट हुए थे। वी आर पंजाबीज, तो मोस्टली पंजाबी पहले पाकिस्तान वाली साइड पर थे जो माइग्रेशन में यहाँ आए दिल्ली। तो वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे, उनको याद है बिफोर इंडिपेंडेंस, उनका बर्थ ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस से पहले का है। तो वो बताती हैं कि अंग्रेज स्पेशली एक टेंट लगाकर चाय को फ्री बांटा करते थे, लोगों के मुंह में टेस्ट लगवाया कि चाय क्या होती है। हिंदुस्तानी चाय नहीं पीते थे ये, मतलब मैं तो अभी बात बता रहा हूँ 1940s की, कोई अराउंड 80 ईयर्स पहले की, कि उस टाइम पर मेरे फादर भी बताया करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो भी यही बताते थे कि जी हमें चाय पकड़ पकड़ के फ्री पिलाते थे। जैसे आप देखते हो ना, स्टॉल लगी होती हैं मॉल्स के बाहर, वो फ्री सैंपल टेस्ट करा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आती है, तो ऐसे ही वो फ्री में पिलाते थे अंग्रेज, ताकि हिंदुस्तानियों को आदत लगे और वो सेल करके टैक्स कमा सकें और उसको एक्सपोर्ट करते थे। और आज इंडिया टी का वन ऑफ द बिग एक्सपोर्टर इन वर्ल्ड है। तो ये टी ठीक है, बट ये एसेंशियल कॉमोडिटी नहीं है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, मिल्क और टी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मिल्क इज एसेंशियल कॉमोडिटी, ऐसे ही स्पाइसेस। स्पाइसेस क्यों एसेंशियल कॉमोडिटी हैं? क्योंकि स्पाइसेस के बिना खाना पॉसिबल नहीं है। सेकंड, नमक, काली मिर्च, जीरा, ये बॉडी की एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल
न्यूट्रिशन वैल्यू रखते हैं। अब आप देखते हो कोविड के टाइम में कितने काढ़े पिए लोगों में, काढ़ों में डली क्या रहा था, हल्दी, जीरा, अजवाइन, इस तरह के लोगों ने काढ़े बनाए और पिए। तो ये एक बॉडी की ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारी बॉडी की एसेंशियल ग्रोथ के लिए जरूरी है। नमक ज़्यादा खा लो तो भी नुकसान है, ना लो तो भी नुकसान है। अब जिनका बीपी लो होता है उनको नमक दिया जाता है, तो इसके लिए ये फूड को भी एसेंशियल कमोडिटी में डाला गया। तो फूड के साथ अब क्या आ जाएगा, क्रॉप, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं वो भी आएंगी, वो भी एसेंशियल कमोडिटी का पार्ट है। अब जब ये बन रहा है तो इसको बनाने, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजों से जानो कि अगर हमें जीना है तो रोटी, कपड़ा और मकान। एक गाना भी आया था और आई थिंक पिक्चर थी इसके ऊपर, पहले पुरानी पिक्चर है। तो खाना बहुत एसेंशियल है, फिर आ जाता है कपड़ा, क्लॉथ। हालांकि इंडिया जब 19, ये एक्ट तो बना 1955 में, तो 1955 में उस टाइम पर ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती थी, लोगों को इसी की मारा मारी थी, क्योंकि हम एक पुअर स्टेट में हमें अंग्रेज छोड़कर गए थे, तो खाना, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, कपड़ा पहनने को नहीं होता था, घर नहीं होता था लोगों के पास। ये सब बाद में ही शुरू हुआ है जब हमारा बैंकिंग रेवोल्यूशन शुरू हुआ। मैंने आपको बताया कि बैंकिंग रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, कि जितना ज़्यादा पैसा बैंकों में आएगा उतना इकॉनमी में मूवमेंट होगी। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से फॉरेन करेंसी आई, दूसरा इंडियन बिजनेस ग्रोथ हुआ, तीसरा इंडियन लोगों को ये हैबिट पड़ी कि पैसा घर में रखने की बजाय बैंक में रखो। मैंने इस फाइनेंशियल सिस्टम में सिक्योरिटीज लॉ की सेकंड क्लास में पूरा इसके बारे में रेलेवेंस बताई है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास पूरी इसी पर है कि हमारे घर में जो पैसा पड़ा है, सेविंग्स है, उनका प्रोडक्टिव यूज़ कैसे किया जाए। अगर हम घर में सोना चांदी में पैसा लगा देते हैं और अगर प्रॉपर्टी में डाल देते हैं तो उसकी रोटेशन रुक जाती है, स्लो हो जाती है। बट अगर आप बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हो तो मूवमेंट फास्ट हो जाती है। तो आज मकान लेने क्यों आसान हुए, कि बैंकों से फाइनेंस मिलना आसान हुआ। बैंकों से फाइनेंस क्यों मिलना आसान हुआ, कि बैंकों के पास सरप्लस पैसा आया। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन तब बांटेंगे जब उनके पास पैसा होगा। तो पहले के लोग बैंकों में पैसा ही नहीं रखते थे। आप अपने नाना नानी दादा दादी से पूछो कि कितने उनके बैंक अकाउंट होते थे घरों में। और आज देखो, जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलते हैं उतना ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ता है। तो रोटी, कपड़ा और मकान उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज भगवान की दुआ से इंडिया इतना ग्रो हो चुका है कि कोई भूखा नहीं मर रहा, कपड़े सबके पास हैं, अब तो वैरायटी ऑफ क्लॉथ हैं। और पहले क्या चलता था, कॉटन, जूट। जूट को डाला गया एसेंशियल कमोडिटी में। जूट को क्यों डाला गया, यान, कॉटन यान। जूट इसलिए डाला गया कि हर चीज की पैकिंग बोरियों में होती थी पहले। हमारे बिस्तर, दरियां, सोने की चीजें, चटाइयां जूट से बनती थी, कॉटन यान फैब्रिक, कपड़े इसी से बनते थे। और ये बाद में हमारे पॉलिस्टर शुरू हुआ है, आज से 40 साल पहले। आप अगर कोई पुरानी मूवी की पिक्चर देखो, उसमें अगर कोई नेता वगैरह की रैली दिखा रहे हैं तो मोस्टली आपको वो कुर्ते पजामे में मिलेंगे। इंडियन ट्रेडिशन क्या था, धोती कुर्ता, लुंगी कुर्ता। साउथ इंडिया में चले जाओ तो लुंगी चलती है, नॉर्थ इंडिया में चले जाओ तो कुर्ता पजामा चलता था। तो ऐसे हर एरिया का था, बट वो सारा कॉटन बेस्ड था, पॉलिस्टर इंडिया में नहीं होता था। पॉलिस्टर को लाने वाले भी अंग्रेज थे, कोट पैंट भी अंग्रेज लाए थे और पॉलिस्टर भी अंग्रेज ही लेकर आए थे। सेकंड, उस टाइम पर तो जैसे हम आज कुर्ता पजामा पहन के कहीं चले जाएं तो हमें शर्म आती है, पहले तो पेंट शर्ट पहनने में लोग शर्माते थे, अजीब लगता था लोगों को। तो पेंट शर्ट वाले को बहुत बड़ा बाबू समझा जाता था। और आज भी कई छोटे गाँवों में ऐसा ही है कि बुजुर्ग अभी भी वो धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, और वो सिर्फ कॉटन का होता था, पॉलिस्टर नहीं होता था। इसको लाने वाला मेनली इंडिया में रेवोल्यूशन जो आया है, रिलायंस है। रिलायंस ने पॉलिथिन, पॉलिस्टर, इसका बहुत बड़ा इंपोर्ट किया। वहां से इंडिया में ट्रेंड चेंज हुआ दूसरे सिंथेटिक कपड़ों का, तो इसको भी यहां पर रखा गया। अब देखो, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान में अब क्या आ जाता है, सीमेंट। क्या सीमेंट होगा कि नहीं, सीमेंट एसेंशियल कमोडिटी है, खाने के लिए जरूरी नहीं है, बट हमारे, ये तो आ गया। अब कपड़ा, जिसको आप क्लॉथ कह सकते हो, ये फूड हो गया। तीसरा हमारे को घर, होम। तो सीमेंट चाहिए कि नहीं, स्टील। पहले सीमेंट, आज से हमने 1987-88 में हमने अपना एक घर कंस्ट्रक्शन किया था प्लॉट पर,
तो वहाँ पर मुखर्जी नगर एरिया, दिल्ली जीटीबी नगर में, तो वहाँ पर हमने जब वो, उस टाइम पर मुझे याद है मैं तब 10th में था जब हमारा घर बन रहा था, तो उस टाइम सीमेंट रिटेल शॉप्स पर नहीं मिलता था, सीमेंट गवर्नमेंट की राशन शॉप से ही मिलता था। चावल, दालें, चीनी जैसे राशन शॉप से होती हैं, ऐसे ही सीमेंट राशन पर मिलता था। और सीमेंट को लेना आप डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, आप अगर घर बना रहे हो तो आपको घर का नक्शा दिखाना पड़ेगा, वो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसको अप्रूव करेगी, उसके बाद वो उस जितनी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से नंबर ऑफ बैग्स, बोरी अलॉट करते थे कि आप सीमेंट ले सकते हो। फिर वो आप उस शॉप पर जाते थे तो जो वहाँ के ऑफिसर ने, इंस्पेक्टर ने आपको अलाउ किया था, वो ही सीमेंट उतना आपको क्वांटिटी का मिलेगा, ओपन मार्केट नहीं थी सीमेंट की। तो सीमेंट एसेंशियल कॉमोडिटीज़ में डाला गया क्योंकि हमारी जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, और तब सीमेंट कंपनियां कम होती थी, सीमेंट की नंबर ऑफ कंपनियां बहुत कम थी, तो सब डिमांड पूरे इंडिया को चाहिए, हर घर को बनाने के लिए सीमेंट चाहिए। अगर आज भी आपको बोला जाए ना आप सीमेंट की कंपनियां काउंट कर लो, तो 10 से ज़्यादा आप सीमेंट की कंपनी काउंट नहीं कर पाओगे। आपने बिरला सुना है, गुजरात अंबुजा सुना, बिनानी सुना, ये गिनते गिनते आप 10 भी काउंट करनी मुश्किल हो जाएंगी सीमेंट कंपनियां। और 130 करोड़ लोगों के जितने लिए भी घर बन रहे हैं और हर एक में सीमेंट यूज़ हो रहा है, और ये 5, 10, 15 कंपनियां ही सप्लाई कर रही हैं। तो बड़े बड़े प्लांट हैं इनके, बट अगर ये मिल जाएँ, जमाखोरी कर लें, अपनी मर्ज़ी से रेट डिसाइड करने लग जाएँ, तो आम पब्लिक इफेक्ट होगी कि नहीं? तो इसके लिए पहले तो इसको टोटली कंट्रोल्ड वे में रखा गया था। अब 1991 की पॉलिसी के बाद अब समझ आ रहा है गवर्नमेंट का डी कंट्रोल हुआ। डी कंट्रोल का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन किससे किया था? गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग से। तो और बिजनेसमैन आए, सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी, बनना शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट ने इसको ओपन मार्केट कर दिया। अब हम जितना मर्जी जहाँ से ले सकते हैं क्योंकि अब सप्लाई पूरी हो गई। बाहर की कंपनियों ने आके यहाँ पर सेटअप लगाए, उन्होंने यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी लाए, यहाँ की इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करके सीमेंट के प्लांट लगाए, उससे सप्लाई भरनी शुरू हो गई। इसके साथ और अदर आ जाता है ऑयल आपका, ऑयल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब ऑयल का क्या रोल होगा यहाँ पर जी? ऑयल क्या हम कैसे यूज कर रहे हैं मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें हमारे घर में पहुंचेंगी कैसे? क्या बिना ऑयल के आ सकती हैं? पेट्रोल चाहिए ट्रक के लिए। पहले ट्रेन में भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता था, डीजल इंजन चलते थे। आज भी कई जगहों पर अभी डीजल इंजन चलते हैं, और डीजल इंजन से पहले तो कोयले के इंजन चलते थे। तो उसको, कोल को भी एसेंशियल कमोडिटी में डाला गया था, कोयला भी लाइसेंस की शॉप से ही मिलता था, प्राइवेट शॉप से नहीं मिलता था। और डीजल, पेट्रोल आपको पता है कि अभी भी आप अपनी मर्जी से पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते, पेट्रोल की सेल नहीं कर सकते, आपको स्पेशल लाइसेंस चाहिए। और कुछ टाइम पहले तक तो पेट्रोल का रेट भी टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, जो अब पेट्रोल कंपनियां डिसाइड करती हैं ना कि गवर्नमेंट। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी अपने आप में एसेंशियल कमोडिटी का पार्ट माने गए, क्योंकि फैक्ट्रियों में ऑयल चाहिए, मशीन्स, जनरेटर्स को चलाने के लिए ऑयल चाहिए, ट्रकों में ऑयल है तभी रॉ मटेरियल आ रहा है और फिनिश गुड्स हमारे पास जा रही हैं। हमारी मूवमेंट के लिए हमें प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ऑयल चाहिए, ट्रेन्स, रोडवेज की बसें, सबके लिए ऑयल चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर डाला गया। उसके बाद अब देखो, जब हम खाएंगे पिएंगे या जिंदा रहेंगे तो बीमार भी होंगे, मेडिसिंस, इनको भी एसेंशियल कॉमोडिटी में डाला गया। और यहां पर मैं फर्टिलाइजर्स भी लिख रहा हूं, फर्टिलाइजर्स को मैं फूड वाले कॉलम में ऐड कर देता हूं। फर्टिलाइजर्स क्यों भाई? खेती हो रही है, अब आप बताओ कितने फर्टिलाइजर्स की कंपनियां हैं इंडिया में? नागार्जुना फर्टिलाइजर है, चंबल फर्टिलाइजर है, ये 3, 4, 5 कंपनियां ही हैं जो इंडिया की पूरे खेतों में जितने फर्टिलाइजर्स डल रहे हैं उनकी सप्लाई कर रही है। फर्टिलाइजर्स पहले क्या होता था? गोबर की खाद होती थी, नेचुरल होता था, बट अब वो केमिकल वाला हो गया है। इसका नुकसान भी हो रहा है, हालांकि खेती में नुकसान हो रहा है, बट आज भी फर्टिलाइजर्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपने सुना होगा पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था, अभी जो फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है उसमें भी ये आया था कि फर्टिलाइजर्स पे भी प्लानिंग हो, जो फर्टिलाइजर्स का उनको एलोकेशन होता है, बेचते हैं, कई बार डिमांड ज़्यादा होती है तो अननेसेसरी रेट बढ़ जाते हैं, तो उन पर भी गवर्नमेंट पूरा वॉच रखती है ताकि किसानों को सहायता दे सकें। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपको ब्रॉडली बता दी कि इस इंसान को जीने के लिए जो जो चाहिए,
उसको हम बोलेंगे असेंशियल कॉमोडिटीज, और उसके लिए बना ये एक्ट। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो आप पढ़ने जा रहे हो। आइए एक बार बुक में डेफिनेशन को पढ़ते हैं, कैसे इसको डिफाइन किया गया है। अब समझ आया कि जो मैंने पहले आपको पढ़ाया कि इस एक्ट बनाने का पर्पस क्या रहा होगा, लॉ मेकर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रहा कि भाई इन चीज़ों का लॉ बनाओ, और लॉ किस पर एप्लीकेबल होगा, जो इनको बना रहा है, जो इनको सप्लाई कर रहा है, और जो इसको बेच रहा है, तीनों के ऊपर है, कंज्यूमर पे नहीं है ये। इन तीनों को क्या फॉलो करना है, अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जिसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर देती है, आप उसकी फालतू स्टोरेज नहीं रख सकते, उसके रेट्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। तो मतलब इन चीज़ों को बनाने वाले, सप्लाई करने वाले और बेचने वालों को इस एक्ट के अंडर लाकर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल ले लिया। अभी सेक्शन 3 आएगा, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू रेगुलेट, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू रेगुलेट। सेक्शन 3 इस एक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, इसमें सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। अब फार्म बिल पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई चल रही है, क्योंकि कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन आइटम्स पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि आप इसको रेगुलेट करोगे। क्या रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट, कि जो लोग इस चीज़ों को बना रहे हैं, सेकेंड जो लोग इन लोगों को बेच रहे हैं, इनको ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखी जाए, ये अपनी मनमानी से कॉस्ट ना बढ़ा दें, प्राइस ना बढ़ा दें, जमाखोरी, कालाबाजारी, होर्डिंग ना करें जिससे सप्लाई कम हो जाए, प्राइस बढ़ने लग जाए, और मनमाने रेट ना डिसाइड करें। दूसरा, हर एक इंसान तक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया के हर कोने तक ये चीज़ें पहुँचें, यानी कि कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा है और कुछ एरिया में स्कैरसिटी है, और जहाँ स्कैरसिटी होगी वहाँ पर रेट बढ़ना लग जाएगा। जैसे हिल्स हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर भी इन चीज़ों को कैसे पहुँचाया जाए, ये सारा इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट को पावर दी गई है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब कई चीज़ों के रेट बढ़ने लग जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के अंडर पावर आ जाएगी कि गवर्नमेंट उसको रोक भी सकती है एक्सपोर्ट को। अब जैसे प्याज का रेट बढ़ने लग जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एक्सपोर्ट रोक देती है कि बाहर भेजना बंद करो, पहले इंडिया में रखो। तो किसी इस केस में एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा फंडामेंटल राइट है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 में पढ़ा होगा, फ्रीडम टू ट्रेड, मेरी बिजनेस की करने की आज़ादी है। अब मैं एक्सपोर्ट बिजनेस करता हूँ और प्याज का एक्सपोर्ट करता था, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी एक्सक्लूसिव पावर गवर्नमेंट के पास है। तो ये एक लॉ और एक सिस्टम चल रहा है इस इकोनॉमिक सिस्टम को संभालने के लिए। और आप ये देखो कि ये जितनी चीज़ें हमने लिखी हैं, खाने पीने की चीज़ें, सीमेंट, ऑयल, यही तो जीडीपी का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा, अगर हम कहें कि सीमेंट की डिमांड कम हो रही है, सेल कम हो रही है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क कम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क कम क्या हो रहा है, रियल स्टेट डाउन हो जाएगा, बैंकों की फाइनेंसिंग डाउन होनी शुरू हो जाएगी, तो बहुत बड़े इंडिकेटर हैं ये। ऑयल की सेल गिरनी शुरू हो जाए, क्या हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है, लोगों की मूवमेंट कम हो रही है, फैक्ट्रियों में काम कम हो रहा है, माल की सप्लाई कम हो रही है, लोग घूमने कम जा रहे हैं, तो इसका असर क्या आएगा, टैक्स डाउन, टैक्स का नुकसान होगा। अब ऑयल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना टैक्स लेती है, ये आप सुनते हो खबरों में कि इतना टैक्स है, गवर्नमेंट की मेन अर्निंग सोर्स ही ऑयल है, और हर स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑयल मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है। अगर हम टैक्स हटा दें तो जो ऑयल जिस रेट पे बिक रहा है वो आधे रेट पर आ जाएगा, बट गवर्नमेंट को क्या करना है, इनकम कमानी है, तो वो यहाँ से कमा रही है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी है उसका। इस पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, इस एक्ट को बनाने के क्या ऑब्जेक्ट थे। तो प्रियम्बल ऑफ द एक्ट, हर एक्ट का प्रियम्बल होता है कि बनाने का पर्पस क्या होता है। तो ये एक्ट कहता है टू प्रोवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, किसके लिए बनाया गया ये एक्ट, जनरल पब्लिक, फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स इन सर्टेन कॉमोडिटीज, हर कॉमोडिटी में नहीं, सर्टेन कॉमोडिटी। और वो सर्टेन कॉमोडिटी कौन सी होंगी, वो सेक्शन 2A और प्लस रूल्स में दे रखी हैं, और गवर्नमेंट इसमें किसी भी चीज़ को ऐड और डिलीट कर सकती है, ये पावर भी गवर्नमेंट को दी गई है। तो गवर्नमेंट को ऐड करना होगा, ऐड कर देगी। जैसे अभी कोविड के टाइम पर
आपको मैं बताऊं कि जो हमारे मास्क हैं, कोविड से रिलेटेड दवाइयां हैं, जो पहले एसेंशियल कमोडिटी में नहीं थी, उनको एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया गया है। मैं आपको एक दिखाता हूं, मैं आपको एक सर्कुलर दिखाता हूं गवर्नमेंट का। देखो, एसेंशियल कमोडिटी का, अब गवर्नमेंट को जब लगेगा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो गई है या कमी हो गई है, तो वो उन आइटम्स को डिक्लेयर कर सकती है। ये सेक्शन 3 जब हम आगे बुक में पढ़ेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि गवर्नमेंट जब ज़रूरत, हालात, सिचुएशन को देखते हुए किसी भी चीज़ को एसेंशियल कमोडिटी में डाल सकती है, मतलब उसकी स्टोरेज, प्राइसिंग पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा। देखो, ये भारत का राजपत्र, जिसको आप गजट ऑफ इंडिया भी बोलते हो, तो गवर्नमेंट जब भी कोई अनाउंसमेंट करती है तो गजट ऑफ इंडिया इशू करती है। पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, न्यू दिल्ली, फ्राइडे मार्च 13, 2020। कोविड तब शुरू हुआ था, देखो मार्च 13, लॉकडाउन नहीं हुआ था अभी, ध्यान से सुनना। लॉकडाउन अराउंड 22 और 23 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, शायद 2020 में, जो फर्स्ट लॉकडाउन इंडिया में लगा था। बट 13 मार्च को ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया था, क्योंकि कोविड शुरू हो गया था। 10 मार्च को, याद करो, होली थी, मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि होली अपने घर पे मनाओ, लार्ज गैदरिंग मत करो, पिछले साल की होली, 21 की नहीं। तो उस टाइम पर ये अनाउंस किया गया था, और उससे पहले ही कोविड का अलार्मिंग सिचुएशन शुरू हो चुकी थी, और एक्चुअल में लॉकडाउन लगा 23 मार्च को जाकर। तो उसके लिए गवर्नमेंट पहले ही प्रिपेयर थी। 13 मार्च को देखो क्या निकाला उन्होंने, ये पहले हिंदी में है, फिर उसी का इंग्लिश में है। कौन सी मिनिस्ट्री के पास ये एक्ट है, ये आपको देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ये डिपार्टमेंट है उनका। 13 मार्च का सर्कुलर है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 2 और सेक्शन 2 ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट। सेक्शन 2 और सेक्शन 2(1) क्या है, मैं पहले आपको ये दिखा दूं। डेफिनेशन सेक्शन 2A में है एसेंशियल कॉमोडिटी की। एसेंशियल कॉमोडिटी मीन कॉमोडिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, और शेड्यूल में इन कॉमोडिटीज को लिया गया, जो मैंने नाम लिया, ड्रग्स, ड्रग्स वो दारू वाली नहीं, दवाइयाँ, मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हमने अभी लिया, फूड स्टफ, खाने की चीज़ें, ऑयल, अब खाना बन रहा है तो ऑयल भी आएगा, तो मैंने उस स्लाइड में ऑयल मिस कर दिया, मैं इसमें आपको ऑयल भी ऐड कर देता हूँ। ऑयल, ऑयल के सीड्स, डेफिनेशन तो अब हम बुक से पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये वर्ड है जो आपको याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एसेंशियल कॉमोडिटी की डेफिनेशन, और आ जाए तो बहुत इजी है, लॉटरी है, बहुत फ्री के नंबर हैं आपके। यान, कॉटन से बनी हुई जो, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रॉ जूट, जूट टेक्सटाइल्स, सीड ऑफ फूड क्रॉप, सीड ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल, मतलब सब्जियां और सब्जियों के बीज भी, फलों के बीज भी, क्रॉप के बीज भी, इनको भी एसेंशियल कमोडिटी में डाला गया है। सीड ऑफ कैटल फॉडर, जानवरों का चारा, उसको भी डाला गया है, क्योंकि पहले जानवरों से खेती ज़्यादा होती थी और अभी भी होती है, ट्रैक्टर हर किसान नहीं ले सकता। जूट सीड, जूट को बनाने के लिए जो सीड है उसी से धागा निकलता है, बनता है। इन चीज़ों को सबको एसेंशियल कमोडिटी डाला गया सेक्शन 2A में। अब आओ देखो इस ऑर्डर में क्या दिया गया, ये सेक्शन 2A समझ आया आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाई मेक द फॉलोइंग ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ये, टू रेगुलेट, किस चीज को रेगुलेट करना है, रेगुलेट प्रोडक्शन क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, किस चीज का प्रोडक्शन, किस चीज के लॉजिस्टिक्स, ऑफ मास्क। देखो आप, वर्ड यहां पर समझ आया, मास्क, मास्क उस टाइम पर शुरू हुआ था कल्चर,
कि भैया मास्क पहनो कोविड में, तब तो लोगों को पता नहीं था कि हमें इतना टाइम इतने महीनों तक पहनना पड़ जाएगा, और सेकंड वेव ने तो ये सिखा दिया कि घर में भी बैठ के पहनना पड़ेगा या घर से बाहर निकलते भी पहनना पड़ेगा, और एक नहीं एक की जगह दो पहनने पड़ जाएंगे। बट 23 मार्च 1920 को किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, बहुत लाइटली ले रहे थे कि यार क्या पागल बना रहे हैं। मास्क पहनते हुए भी तब शर्म आता था, तब मेट्रो चल रही थी, हमारी क्लासेस चल रही थी, आते जाते थे तो मतलब 100 में से कोई एक आदमी मास्क लगा के बैठा तो सब उसकी शक्ल देख रहे होते थे, भाई ये मास्क लगा के बैठा इसको ज़्यादा डर लग रहा है। हमें ये लगता था कि जो मास्क लगा रहा है वो डरपोक है, हम लगाएंगे तो हमें भी लोग डरपोक कहेंगे, शर्म के मारे कुछ लोग मास्क नहीं लगाते थे। अब वो मास्क 2 प्लाई 3 प्लाई सर्जिकल मास्क N95 मास्क, आपने नाम सुना, इन मास्क को गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डर 2020 के उसमें एसेंशियल कमोडिटी के शेड्यूल में डाल दिया। मतलब अब आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हैंड सैनिटाइजर्स देखो ये भी आ गए, यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर को भी दिया हुआ है, मतलब मास्क हैंड सैनिटाइजर ये इन सब को दिया हुआ है। तो कब तक रहेगा, 30 जून तक, उसको बाद में इसको फिर एक्सटेंड भी कर दिया गया, बट अब तो काफ़ी कुछ इजीली हो गया है। तब तो इनकी भी स्केरसिटी हो गई थी, मास्क कहाँ मिल रहे थे, हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहे थे। अब देखो हर आदमी हैंड सैनिटाइजर बना रहा है और बेच रहा है, चलो वो तो अलग बात है, बट गवर्नमेंट ने इसको उस टाइम पर तो कंट्रोल में अपने लिया था। ऐसे ही और एक ऑर्डर आया देखो 19 मार्च को ही, पहला आया था, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2A एंड सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, तो सेक्शन 3 जब आएगा ना, बार बार अभी तो मैं पढ़ा नहीं रहा, बेस बना रहा हूँ, यहीं से आपको आधा सेक्शन 3 आपका तैयार हो गया। देखो ये देखो पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3, ये भी हमारा साथ साथ तैयार हो रहा है, और पहले देखेंगे फिर पढ़ेंगे ना, मजा आएगा। एक बार आपने देख लिया प्रैक्टिकली तो मजा आना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर 2। अब ध्यान से देखना किस चीज को उन गवर्नमेंट ने क्या करना था, रेगुलेट प्रोडक्शन क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस एंड अदर एस्पेक्ट्स, किसके किन चीजों की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को, अल्कोहल, अल्कोहल मतलब जो हैंड सैनिटाइजर्स के लिए यूज की जा रही है फॉर प्रिवेंटिंग इन्वेंशन, तो अल्कोहल को भी अपने एसेंशियल कमोडिटी में ले लिया, पहले नहीं था ना। अब कहो जी दारू एसेंशियल कमोडिटी तो है नहीं सर, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि दारू शराब अल्कोहल एसेंशियल कमोडिटी बन जाएगा। ये है देखो लाइफ, बच्चों ध्यान से समझना, कुछ नहीं पता कल क्या होना है, आज जो कूड़ा है वो कल सोना हो जाए, आज जो सोना है वो कल कूड़ा हो जाए। 1,000 रुपए के नोट एक दिन में कूड़ा हो गए थे। शराब जिसको बुरा माना जाता था वो हमारे हैंड सैनिटाइजर के लिए जरूरी हो गई और एसेंशियल कमोडिटी में आ गई, बताओ। पहले नहीं थी क्योंकि शराब की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। हाँ न्यूट्रिशनल वैल्यू शराबियों के लिए होती है जब लत लग जाती है कि उसके बिना उनका गुजारा नहीं है, बट अल्कोहल, और आपने देखा कि कैसे लाइनें लगती हैं, कैसे मारा मारी होती है शराब के लिए, और इकोनॉमी के लिए भी हायर टैक्स हैं, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स शराब पर लगाती है। तो अल्कोहल यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ड्यू टू कोरोना वायरस और बैक्टीरिया, कोरोना नाम नहीं लिया उन्होंने। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द इंग्रीडियंट एंड प्राइजेस ऑफ द इंग्रीडियंट्स एज रॉ मटेरियल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डर, तो इससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा। द रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी शैल बी ट्रीटेड एज, मतलब उन्होंने कहा कि जो रॉ मटेरियल है, अब हैंड सैनिटाइजर के लिए रॉ मटेरियल क्या आ गया, अल्कोहल, तो उसको भी एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया। इस ऑर्डर में तो गवर्नमेंट ने सीधा लिख दिया कि भाई सैनिटाइजर्स, बट यहाँ ये तो लिखना भूल गई ना कि सैनिटाइजर का रॉ मटेरियल का लोगों ने बदमाशी करनी शुरू कर दी, जब सबको लगा कि इसमें अल्कोहल चाहिए तो अल्कोहल का स्टोरेज करना शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी होगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इमीजिएटली 6 दिन बाद नया ऑर्डर निकाल दिया कि भाई आप इनका जो रॉ मटेरियल है हैंड सैनिटाइजर्स को बनाने के लिए
बेसिकली ये ऑर्डर सिंपली किसके लिए निकला है? ओनली फॉर हैंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके लिए सारे रॉ मटेरियल्स अल्कोहल को मिलाकर, और नीचे गवर्नमेंट ने सारे लिख दिए, द प्राइस ऑफ अल्कोहल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग शैल नॉट एक्सीड फ्रॉम दोज प्रिवेलिंग ऑन 5 मार्च 2020 विदाउट कंकरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो अब मजे की बात, 5 मार्च को पता नहीं था कि हैंड सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगी लास्ट ईयर। 13 मार्च को गवर्नमेंट ने लगा सीरियस हुई कि भैया हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और बैक्टीरिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम असेंशियल कमोडिटी में डाल रहे हैं। अब मास्क असेंशियल कमोडिटी में आ गया, खाने की चीज़ तो नहीं है बट जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो गया था कि नहीं हो गया था, तो मास्क को डाला, सैनिटाइजर को डाला। 19 मार्च को गवर्नमेंट को लगा भाई सैनिटाइजर बनाने के लिए अल्कोहल चाहिए, तो लोग तो अल्कोहल को स्टोरेज करनी शुरू कर देंगे, अपनी मनमानी से करेंगे, तो उसको भी रोका। अब बात आई कि अल्कोहल का रेट बढ़ाना शुरू कर देंगी कंपनियां, जब सैनिटाइजर में डलेगा तो कंजम्पशन तो हो ही रही है और डिमांड बढ़ गई, तो गवर्नमेंट ने वहीं ब्रेक लगा दी कि 5 मार्च तक जो प्राइस थे ना वही प्राइस आगे चलेंगे, कोई प्राइस नहीं बढ़ा सकता। नहीं तो क्या होता, सैनिटाइजर इतने महंगे हो जाते क्योंकि अल्कोहल के रेट कंपनियां बढ़ा देती, प्रोड्यूसर बढ़ा देते, मैन्युफैक्चरर बढ़ा देते और सैनिटाइजर बनने मुश्किल हो जाते। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट को ये ज़रूरत के हिसाब से पता चलता है, अब कोविड वाली सिचुएशन गवर्नमेंट को पहले से नहीं पता थी कि ये हालात बनेंगे, तो गवर्नमेंट स्टेप वाइज चलती है और उसके हिसाब से फिर आगे डिसीजन लेती है और ऑर्डर पे ऑर्डर निकालती जाती है। तो इस एक्ट के सेक्शन 3 में ही एक पावर दे दी गई ना कि आप इस सेक्शन 3 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इस एक्ट में इंटरफेयर कर सकती है और उसको जैसे लगेगा वो किसी भी आइटम को यहाँ पर डाल सकती है और किसी भी आइटम को यहाँ से डिलीट कर सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने प्राइस के लिए बेसिकली ये ऑर्डर निकाला कि आप सैनिटाइजर्स के लिए जो अल्कोहल है उसका प्राइस, रॉ मटेरियल में जो यूज हो रहा है उसके लिए, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अब कोई प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट इस तरह से इंटरफेयर करती है और इस एक्ट का आप समझो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे ऑक्सीजन पर आया, ऑक्सीजन पर लोगों ने जमाखोरी की तो गवर्नमेंट ने उसको भी अपने हाथ में लिया और उसके ऊपर एक्ट लगाकर जो लोग पकड़े गए हैं उनको पनिश भी किया जा रहा है। एक और ऑर्डर दिखाता हूँ आपको मैं, फरवरी 22। अब ये कोविड से रिलेटेड नहीं है, उससे पहले ही आ गया था, 27 फरवरी 2020 को गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला कि इस ऑर्डर में देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेसिफाइड फूड स्टफ, और वो किस में स्पेसिफाई किए गए हैं, ऑर्डर 2016 में। तो हमें ये ऑर्डर्स नहीं पढ़ने, मैं आपकी नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज़ को एसेंशियल कमोडिटी में डाला है तो उसको हटाएगी भी वो। अब जैसे ही कोविड की सिचुएशन ठीक होएगी वो सैनिटाइजर अल्कोहल से ये बैन हटाने शुरू कर देगी, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। अब समझ आया जी, अब मज़ा आएगा ये सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ने में। क्लियर हुआ डेफिनेशन को एसेंशियल कमोडिटी की? फिर सबसेक्शन 2 बार बार देखो आ रहा था कि नहीं अभी नोट्स में, सेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड इफ इट इज स्पेसिफाइड दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर रीजन बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट द शेड्यूल। मतलब शेड्यूल में किसी भी चीज को ऐड कर सकती है, किसी को भी रिमूव कर सकती है। अभी शेड्यूल में ये चीजें थी सेक्शन 2A के हिसाब से, फिर 2A का सबसेक्शन 2 एम्पावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू ऐड और रिमूव बाय ऑफिशियल गजट। अब देखो जो ये ऑर्डर आया था इसमें ये ऑफिशियल गजट समझ आया, उस एक्ट की मिनिस्ट्री समझ आई कि ये एक्ट को कौन चला रही है। अब ध्यान से देखना यहां पर गवर्नमेंट ने ये लिखा है, सेक्शन 2A भी लिखा है और सबसेक्शन 2 भी लिखा है।
सबसेक्शन टू सेक्शन टू ए, यही आप पढ़ रहे थे अब। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इसका रेफरेंस दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय गवर्नमेंट ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला, किन पावर को एक्सरसाइज किया, जो उसको सेक्शन 2A के सब सेक्शन 2 में मिली हुई है, तो वो किसी भी चीज को ऐड कर सकती है और रिमूव कर सकती है। तो ये हमारा सब सेक्शन 2 का पार्ट आया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्री पावर है एसेंशियल कमोडिटीज को ऐड करने में? यस। तो हमने ये समझा कि एसेंशियल कमोडिटीज क्या हैं, और एसेंशियल कमोडिटीज शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट दी हुई है, सेक्शन 2A में नाम दिया हुआ है, और सब सेक्शन 2 में पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी कमोडिटी को ऐड और रिमूव कर सकती है। उनकी प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, चार पावर हैं गवर्नमेंट की। बनाने से रिलेटेड लॉ बना सकती है, सप्लाई से बना सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन से बना सकती है, प्राइस पर बना सकती है। इन एडिशन टू अबव, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई एनी अदर आर्टिकल एज एसेंशियल कमोडिटी विच इज विद इन द स्कोप ऑफ एंट्री 3 ऑफ लिस्ट 3 ऑफ 7 शेड्यूल टू द गवर्नमेंट, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। शेड्यूल 3 में कंकरेंट लिस्ट आ जाती है, तो उसमें भी लिस्ट 3 में कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर होती है, तो वो आपने जनरल लॉ और टैक्स दोनों में पढ़ा होगा ये, कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो जिसमें दोनों की पावर आ जाती है। सबसेक्शन 3, कोई भी नोटिफिकेशन, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो नोटिफिकेशन था, अगर कोई भी नोटिफिकेशन इशू होगा अंडर सबसेक्शन 2, मे ऑल्सो डायरेक्ट दैट एंट्री शैल बी मेड अगेंस्ट सच कमोडिटी इन द सेट शेड्यूल, डिक्लेयरिंग दैट कमोडिटी शैल बी डीम्ड टू बी एसेंशियल कमोडिटी फॉर द पीरियड। कितने टाइम तक होगा? मैक्सिमम 6 मंथ तक डालेगी गवर्नमेंट। बाद में अगर गवर्नमेंट को लग रहा है तो वो बियॉन्ड 6 मंथ भी कर सकती है। तो आपने इस ऑर्डर में देखा था कि कब तक के लिए गवर्नमेंट ने डाला था, 30 जून तक, और उसके बाद गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड करती रही होगी। तो वो एक्सटेंड करके फर्दर, जब तक कोविड प्रॉब्लम नहीं ठीक होती, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, उससे रिलेटेड गुड्स को, कमोडिटीज़ को वो उसमें रख सकती है। इसके बाद यहां तक बात समझ आई जी हमें? तो अब हमें यह समझना है थोड़ा सा, किस एक्ट को चला कौन रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। तो कंज्यूमर मिनिस्ट्री चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन पावर है, फिर वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिली हुई है, और उस एरिया के कलेक्टर्स इस एक्ट को इंप्लीमेंट करा रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में हर जगह तो नहीं जा सकती, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जाने का किसका रोल आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉर्डिनली काम करेंगी, और कलेक्टर्स उस एरिया के। पावर क्या है इस एक्ट में? ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, नोटिफाई कर सकती है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, और उसको बाद में पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सपेंड भी कर सकती है। और वो कौन सी आइटम्स को करेगी जो शेड्यूल में दी हुई हैं? मैटर्स, वो क्या क्या मैटर होंगे ऑर्डर में? पावर टू फिक्स प्राइस, एग्रीड प्राइस, कंट्रोल प्राइस, मार्केट प्राइस, इस पर बाद में आएंगे हम। सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर अलग से पढ़ाऊंगा। आपने एक तो ये नोट करना है, ये वाली स्लाइड हम अभी तक क्या समझे, इसमें आप नोट करोगे ये एक्ट, ये वाली स्लाइड नोट करोगे आप। पहली बात तो किस एक्ट को कौन चला रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट किसको दी गई है जिम्मेवारी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्रीज को चला रही है। फिर हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और हर कलेक्टर की जिम्मेवारी है, बट सुप्रीम पावर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो पावर क्या है? ऐड और डिलीट कर सकती है ऐसी कोई भी कमोडिटी। वो किस में दे रखी है?
सेक्शन 2A, 2A सबसेक्शन 2 में कौन सी आइटम्स को वो जो शेड्यूल में दे रखी हैं ऑफिशियल गजट में करेगी, क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइम तक, पहली बार 6 महीने के लिए और उसके बाद उसको मोर देन 6 मंथ कर सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में उसको जरूरत लग रही है तो। मैटर क्या होंगे, पावर टू इशू ऑर्डर, गवर्नमेंट कैसे इशू करेगी, कैसे पावर को अपनी इंप्लीमेंट करेगी, साथ में मैं सेक्शन 3 भी आप यहां पर नोट कर लेना, शॉर्ट की सेक्शन याद हो जाएंगे, फिर आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो याद आएगा। अब इस ऑर्डर, ये ऑर्डर है, ये आप देख रहे थे जो यहां पर ऑर्डर वर्ड आया था, ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर टू रेगुलेट प्रोडक्शन क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक। तो हम यहां क्या लिख रहे हैं कि वो ऑर्डर देगी किस चीज के लिए, टू रेगुलेट किस चीज को, प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज। तो ये पावर है, तो ये आप एक नोट करोगे, उसके बाद अब आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, मुझे यहां रोकने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बस आपको एक बार बड़ा कर देता हूं ताकि आप आराम से नोट कर सको इसको। तो जब आप इसको पॉज करके नोट कर लोगे फिर हम इसको भी आप नोट करोगे सेक्शन 2A में। अब 2A की मैंने मेन आपको पढ़वा दी थी, अब साथ में मैं जो बुक में केस स्टडीज में दे रखी थी पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर स्लाइड में आएंगे। देखो फॉलोइंग, ये हमने एसेंशियल कमोडिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये डेफिनेशन पढ़ ली हमने, अब आ रहा है कि फॉलोइंग आल्सो हेल्ड एसेंशियल कमोडिटी। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल कमोडिटी, तो सेक्शन 2A वाली तो ये तो आपको एज इट इज लिखनी ही लिखनी है, दिमाग में डाल लो याद करने के लिए, भाई मुझे जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान और उनको बनाने से रिलेटेड आइटम्स, बीमार हो गया तो दवाइयाँ, तो दवाई चाहिए, खाना चाहिए, फूड, फूड स्टफ से रिलेटेड जितनी भी खेती, फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल हैं वो सब एसेंशियल कमोडिटी हैं, और उनके बीज भी और फर्टिलाइज़र भी। समझ आई, ये पहला स्टेप याद हो जाएगा हमें कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना, खाने के लिए सब्जी, दालें, ग्रेन्स, पल्सेस, क्रॉप्स, उनके बीज, उनके लिए फर्टिलाइजर्स, ये क्लियर हुआ। कपड़ा, कॉटन, जूट कॉटन, और उसके लिए जो जूट के जो सीड्स होते हैं वो भी। फिर दवाइयाँ अगर बीमार हुए तो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये कैटेगरीज में बटे हुए हैं, कैडल फॉर्टर, ये आपको एज इट इज याद करने हैं। फिर इसको अलग अलग केसेस में डिसाइड किया गया कि क्या ये एसेंशियल कमोडिटी है या नहीं। शुगर केन, बताओ जी गन्ना, गन्ना कैसे हो गया, क्योंकि इससे क्या बन रही है, चीनी। चीनी क्या एसेंशियल आइटम है, क्या हमारे जीने के लिए जरूरी है, चीनी तो शुगर हो जाए तो छुड़वा देते हैं डॉक्टर, बिना चीनी के लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ चाय दूध में भूल जाओ, सारी मिठाइयाँ, हमारी केक पेस्ट्रीज सब फीके फीके हो जाएंगे, और कई बार जिनकी शुगर लो हो जाती है उनको चीनी देनी भी पड़ती है। तो ये फूड स्टफ है, चाहे डेफिनेशन में नहीं है, महलबर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस किया था कि हम नहीं मानते, पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं इसको फूड स्टफ माना जाएगा। सीमेंट मैंने पहले ही लिखा था, फिर लाइन सीड, ऑयल सीड, जो भी आप जितने भी रिफाइंड ऑयल देखते हो आप, सरसों का तेल, तिल का तेल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, हर एक चीज़
के सीड्स हैं जिनको क्रश करके ऑयल बन रहा है, एडिबल ऑयल बन रहा है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे एडिबल ऑयल में। पैडी जो क्रॉप है खेती। बर्फ कैसे आ गई सर? बर्फ से कौन सी हमारी लाइफ बच रही है बताओ जी, बर्फ कैसे आ गई? बर्फ कैसे आ गई बताओ, आइस कैसे आएगी? कई चीजों को प्रिजर्व करने के लिए आइस की जरूरत है। आइसक्रीम खाना हमारी लाइफ की जरूरत नहीं है, आइसक्रीम एसेंशियल आइटम नहीं है, बट कई दवाइयों के लिए। जब फ्रिज नहीं होते थे तो बर्फ से ही काम चलता था, आपको याद होगा, या आप अपने पेरेंट्स से पूछना पहले कितने घरों में फ्रिज होता था। तो बाजार से बर्फ खरीद के लाते थे, उसको स्टोर करके रखते थे और कई चीजें उसमें ठंडी करते थे। कोविड की वैक्सीन, फ्रीजर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही चाहिए, और वो शीशी खुल जाए तो आप देखते हो ना वेस्ट हो रही है, वो लग जानी चाहिए इतने टाइम के अंदर, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, कि वो फ्रीजर में ही होनी चाहिए। तो जो वो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी फ्रिजेस में हो रही है। तो अब फ्रिज हैं, पहले क्या होते थे? आइस, तो आइस को माना गया दिल्ली आइस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया। दूध मैंने आपको पहले ही बताया था इज न्यूट्रिशियस हमारी बॉडी के लिए, बच्चों के लिए, इन्फेंट्स जो बिल्कुल जन्मजात बच्चे होते हैं, और बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए दूध है। तो दूध को हमने एसेंशियल कमोडिटी में डाला है। नेक्स्ट वीट और वीट प्रोडक्ट ऑब्वियसली आएंगे। सुजान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ का है स्पाइसेस, क्या स्पाइसेस एसेंशियल कॉमोडिटी हैं? तो मैंने डिस्कस किया था, आजकल तो भैया काढ़े ही चल रहे हैं कोविड के टाइम पे, तो एसेंशियल कॉमोडिटी है, अदरवाइज कोई भी सब्जी बिना मिर्च नमक के नहीं चल सकती। तो टर्मरिक तो बहुत बड़ी दवाइयों की तरह काम कर रही है, हल्दी एंटीबायोटिक की तरह काम कर रही है, काली मिर्च खांसी जुकाम में काम करती है, इसी के काढ़े बन रहे हैं, मिर्च, धनिया, कमिन, सिनामन, क्लव्स, फेंगुग्रीक, ये सब के सब आ गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, क्या टी एसेंशियल कमोडिटी में होना चाहिए? तो टी इज नॉट फूड स्टफ। क्यों? ये ना तो नरिश कर रहा है बॉडी को, ना ये हमारे बॉडी के सेल्स को कोई प्रमोट कर रहा है। तो इसको चाय पीने के बिना, हम अगर चाय नहीं पी रहे तो हमारी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दूध नहीं पी रहे तो कैल्शियम है, विटामिन डी है, प्रोटीन है, विटामिन ए है, तो सब पे हमारी बॉडी पर फर्क पड़ता है। बट चाय नहीं पियेंगे तो हमारी बॉडी का कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट की कमी नहीं रहने वाली। इसका केस आया, ये मैंने सैमुअल का केस बताया था, एस सैमुअल AID हरिसंस मल्यालवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। टी और बेवरेजेस डज नॉट गो इन टू प्रिपरेशन ऑफ एनी फूड स्टफ इन कॉमन पैर, हम इसको एज अ टेस्ट यूज कर लेते हैं, बट इसके बिना, जैसे मसाले हैं, हल्दी है, इसके बिना तो खाना नहीं बन सकता। बट चाय की पत्ती कई सब्जियों में डलती है, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो सफ़ेद चने बनते हैं उसमें भी पत्ती डाल के बना काले किए जाते हैं, कई बार हलवाई वगैरह आप शादियों में देखोगे वो पत्ती डालते हैं उसमें, जो छोले भटूरे वाले छोले होते हैं उसमें भी पत्ती डलती है। तो फूड स्टफ के लिए, बट क्या उसके बिना चने नहीं बन सकते? बन सकते हैं। बट क्या हल्दी नमक मिर्च के बिना बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इन कॉमन पैरलेंस वन हु टेक कन टी वुड नॉट से दैट ही हैज नॉट ईटन फूड। वेरी गुड, देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी है, हमने दूध पी लिया तो दूध बच्चे का एक फूड है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट बच्चे का फूड है पहले 6 महीने 1 साल तक। बट हम आज कहें कि चाय नहीं पी और आज मैंने खाना नहीं खाया, तो क्या वो खाने में चाय इंक्लूडेड है? नो, चाय इज नॉट फूड। बट हम व्रत रखते हैं तो उसमें दूध ले लेते हैं एज अ फूड, क्योंकि दूध हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आ रही हैं, तो अब आप पहले तो ये मैंने आपको स्लाइड बड़ी कर दी थी, ये आप नोट करोगे, इसको नोट करोगे, और टी का मैंने यहां पर केस भी लिख दिया है, और इसी से क्वेश्चन आ चुका है। ये केस नाम याद कर लेना तो बहुत अच्छा है, प्लस इसके साथ ये वाला केस भी, सुजान वीट और वीट मसालों के ऊपर, सुजान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये स्पाइसेस पे है, इसको भी याद कर लेना।
सुजान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या आया, आर एसेंशियल कमोडिटी, और इसमें क्या आया, टी इज नॉट एसेंशियल कमोडिटी। तो ये तो नहीं है, ये है। क्लियर हुआ जी? तो आप इसको नोट करोगे शॉर्ट में, मैंने मिल्क टी पे यहाँ क्रॉस लगा रखा है, स्पाइसेस आइस सीमेंट पैडी शुगर केन सब पे लगा रखा है हमने, और ये तो सेक्शन 2A में दी हुई है, फूड सीड्स फर्टिलाइजर ड्रग्स पेट्रोलियम जूट ऑयल, ये कीवर्ड माइंड में याद करने हैं ताकि इनके ऊपर आगे आप लिख कर आओ, और इनके सीड्स में वेजिटेबल भी और ऑयल के भी और कैटल फॉडर के भी। तो मैंने इसको समराइज कर दिया है, कीवर्ड याद करो, बाकी आपको वहाँ से बुक से याद करना है। इन लॉ बनाने का पर्पस क्या है, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और फेयर प्राइस। घूम फिर के बार बार बात यही आएगी, इन कॉमोडिटीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर प्राइस। फिर देखो इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जिसमें कलेक्टर कौन है, कलेक्टर में एडिशनल कलेक्टर जो हमने और गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया जिस एरिया में आबादी ज़्यादा है, सच अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर एज मे बी ऑथराइज टू परफॉर्म फंक्शन एंड एक्सरसाइज पावर ऑफ कलेक्टर अंडर द एक्ट। ये क्लियर हुआ? फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट का आपको लिखवाया, स्लाइड आपने नोट करनी है जो मैंने बड़ी की थी। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं नेक्स्ट क्लास से करूँगा, आप तब तक आप इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से ग्रास्प कर लो। पावर ऑफ इशू ऑर्डर मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया था, कंटेंट ऑफ ऑर्डर क्या होंगे इसको हम आगे जब मैं नोटिंग कराऊंगा तो वहां पर इसकी पूरी हम नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहां तक तो मैंने आपको करवा दिया, फिर कंटेंट ऑफ ऑर्डर मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा, एक पेज आगे छोड़कर चलना कि इसको पहले समझाऊंगा मैं, फिर आप लिखोगे कि कंटेंट ऑफ ऑर्डर क्या होंगे, प्राइसिंग कैसे होगी, एग्रीड प्राइस कंट्रोल प्राइस इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।